हेलो एवरीवन मोस्ट वेलकम टू इंडियन एग्रिकॉर्स चैनल आज की क्लास में मैं लेके आई हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सॉइल बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सॉइल ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू मैक्रो फ्लोरा आर फ्लोरा मींस प्लांट्स ऑप्शंस आर Option A. Bacteria Option B. Actinomycetes Option C. Roots of higher plants And Option D. Fungi The right option is C. C for China The next question is Soil organisms belong to micro fauna Fauna means animals The option A. Moles Option B, ants. Option C, earthworm. Option D, protozoa and nematodes. The right example is D. Okay. Soil organisms or soil biological environment include flora and fauna. The example of macroflora is roots of higher plants and Example of microflora are bacteria, actinomycetes, fungi, and algae. Same like flora fauna is divided into two parts, macro and micro. Example of macroflora are earthworm, moles, ants, and microflora are protozoa and nematodes. Next question is. राइजोसफियर इज नॉन एज ऑप्शन ए स्पेस इन दॉय ऑप्शन बी स्पेस अराउंड द्रॉप ऑप्शन सी स्पेस अराउंड द रूट सरफेस ऑफ हायर प्लांट द राइट आंसर इज सी ये है सूट सिस्टम प्लांट का ये है रूट सिस्टम ठीक है बिलो दर्फेस अब जो ये आउटर स्पेस है इसको हम बोलते हैं रेजोस्फियर अब जो रूट सिस्टम है हाईअर प्लांट्स का ये हाई एनर्जी क्या रिलीज करते हैं कंपाउंड्स और हाई एनर्जी कंपाउंड्स कौन यूटिलाइज करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक है इसलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है वो रेजोस्फियर में ज्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू दी अदर स्पेस इन दी जम्स बेस्ट कहा सर्वाइव कर सकते हैं जब टेम्परेचर लेस देन टेन डिग्री सेल्सियस होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को थ्री पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन टेम्परेचर फर्स्ट वन इज साइक्रोफाइल वन इज द एंड थर्ड वन इज थर्मोफाइल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन ट्वेंटी टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस फॉर देयर सर्वाइवल एंड Thermophiles organism require temperature greater than 40 degrees Celsius. Question is when the soil moisture is near or below field capacity highest population of microorganisms are option A anaerobic bacteria option B actinomycetes and option C aerobic bacteria The right option is aerobic bacteria फील्ड कैपेसिटी के अंडर में जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो कौन सी बैक्टीरिया की मिलेगी एरोबिक बैक्टीरिया की अगर तो ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगी एनरोबिक बैक्टीरिया की एक्टिनोमाइसिट्स एनरोबिक कंडीशन के अंदर क्या हो जाते हैं डाई हो जाते हैं इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एट फील्ड कैपेसिटी किसकी मिलेगी एरोबिक बैक्टीरिया The next question is Optimum moisture content for aerobic bacteria. Option A 30 to 40% water holding capacity. Option B 80 to 90% water holding capacity. And option C 50 to 75% water holding capacity. The right option is 50 to 75% water holding capacity. इस कंडीशन के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी मिलेगी की एरोबिक बैक्टीरिया की और एक्टिनोमाइसिड्स की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे मिलेगी ड्राई रीजन के अंदर ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑप्शन ए एरोबिक एंड एनएरोबिक ऑप्शन बी

लेकिन जो फॉकल्टेटिव बैक्टीरिया है ये जहाँ पे फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है वहां तो सरवाइव करें ही करेंगे लेकिन जहां पे ऑप्टिमम लेवल ऑफ फ्री ऑक्सीजन क्या है लो है तो उस कंडीशन के अंदर भी ये क्या करेंगे सरवाइव करेंगे ओके okay? ग्रो वेल विद इन पीएच रेंज ऑप्शन ए 6.5 टू 8 ऑप्शन एप्शन बी बट right जो अल्किलाइन टाइप कंडीशन है अल्किलाइन टाइप कंडीशन किसके लिए बेस्ट है एक्टीनो माइसेट के लिए ठीक है लेकिन जो पीएस है नियर बाई न्यूट्रल और बिटवीन 6.5 टू 8 ये किसके लिए बेस्ट है बैक्टीरिया के लिए okay. The next question is most important species of bacteria from nutrition point of view. Soil के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, है बैक्टीरिया की फिर है फंजाइ की उसके बाद क्या है एक्टिनोमाइसिस, ठीक है लेकिन बैक्टीरिया के अंदर भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है सुडोमोनास बेसिलस एजेटोबैक्टर एंड एग्रो बैक्टीरिया ठीक है लेकिन न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी स्पेसिस बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंट है इसके लिए ऑप्शन है राइजोबियम एंड क्लोस्टेरियम ऑप्शन बी बेजेरेंकिया ऑप्शन सी नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास The option D, all of the above. The right option is D. The next question is Processes carried out by bacteria. Option A, mineralization of organic matter. Option B, decomposition of cellulose. And option C, oxidation of sulfur and manganese. And option D, all of the above. The right answer is D. जो के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कुछ बैक्टीरिया न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थे इम्पोर्टेंट थे तो वो बैक्टीरिया किस नेचर के हैं हेट्रोट्रॉफिक नेचर के हैं और हेट्रोट्रोफिक जो नेचर के बैक्टीरिया हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए और पॉपुलेशन के लिए किसके ऊपर दिप, डिपेंड करते हैं एनर्जी है, है? तो मिलती, मिलती है और सोयल के अंदर ये क्या करते हैं जो न्यूट्रिय ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट है उनको अवेलेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं इक्वेशन आर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दाइट आंसर इज सी जो सोयल के अंदर फंजाई प्रेजेंट होती है वो नेमेटो और प्रोटोजोआ के ऊपर क्या करती है फीड करती है जिसकी वजह से सोयल के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा की पॉपुलेशन है वो किसमें रहती है इक्वलीबीरियम में और उसको मेंटेन कौन करता है फंजाई करती है The next question is, fungi play important रोल इन decomposition ऑफ lignin। ऑप्शन ए बेसिडियोमाइसिड्स ऑप्शन बी एक्टिनो Option ऑप्शन सी ट्राइकोडर्मा right ऑप्शन इज

और जिस प्लांट के साथ इसका क्या होता है एसोसिएशन होता है उस प्लांट्स के लिए वो फोस्फोरस क्या करवाएगी अवेलेबल करवाएगी क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोट्रोफिक माइक्रोराइजी माइक्रोराइजी क्या है दो टाइप की है एक है एंडोट्रोफिक एक है एक्टोट्रोफिक एक्टोट्रोफिक क्या है जो क्या करती है जो रूट सरफेस है ये क्या है रूट सरफेस है इसके ऊपर सर्वाइव करती है लेकिन जो एंडोट्रोफिक है वो क्या है इनसाइड दी रूट सर्वाइव करती है और इसका जो ऑप्शन है वो है फोमा एंड रेजुक्टोनिया ऑप्शन बी एमेनिटा एंड बोलेटस एंड ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंडोट्रोफिक का एग्जाम्पल है ए फोमा एंड रेजुक्टोनिया लेकिन जो एमेनेटा और बोलेटस हैं ये किस टाइप की फंजा माइक्रोराइजी फंजाई है एक्टोट्रॉफिक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एक्टिनोमाइसिट्स व्हिच आर मिजोफाइल्स आर ऑप्शन ए लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी 28 टू 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस द राइट आंसर इज डिग्री सेल्सियस जो एक्टिनो माइसिड्स है उनका इंपोर्टेंट जेनरा है और जो एक्टिनो माइसिड्स है ये क्या है एरोबिक इन नेचर एंड हैोटोफिक इन नेचर ठीक है ये सोयल के अंदर मिलते हैं और कंपोस्ट के अंदर जो कंपोस्ट में एक्टिनोमाइसिट्स होते हैं वो किस में होते हैं थर्मोफिलिक नेचर के होते हैं जिनको टेंपरेचर कितना चाहिए ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस बट जो सोयल में प्रेजेंट होते हैं वो सोयल की जो टॉप लेयर है वहां पे प्रेजेंट होते हैं वो जो ड्रा, जो ट्रॉपिकल ड्राई रीजन है वहां पे उसकी टॉप लेयर में और ग्रासलैंड ओके तो फीड तो ऑन Option A, bacteria. Option B, actinomycetes. Option C, both A and B. The right answer is C. The next question is symbiotic nitrogen fixation by Option A, rhizobium. Option B, azotobacter. Option C, azospirillum. The right answer is A, rhizobium. जो बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंट जीनस है वो कौन सा है राइजोबियम है और जो क्या करेगा सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन दो टाइप से होता है एक है सिम्बायोटिक दूसरा है नॉन सिम्बायोटिक और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस किसके द्वारा कंप्लीट की जाती है बैक्टीरिया के द्वारा ठीक है जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं हाइयर प्लांट्स के साथ मिलकर नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और जो नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं ये फ्रीली सोयल के अंदर क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्स करते हैं जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे प्लांट से क्या लेंगे वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट्स और प्लांट को क्या प्रोवाइड करेंगे नाइट्रोजन ठीक है और ये किस नेचर के होते हैं हेट्रोटोफिक जिसकी वजह से किसके ऊपर डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर ठीक है और इसका इंपॉर्टेंट जो जीनस है वो है राइजोबियम जो क्या करेगा सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्स करेगा सबसे पहले ये क्या है जो आउटर स्पेस है ये है राइजोस्फियर ठीक है ये हायर प्लांट क्या रिलीज करेंगे यहां पे एनर्जेटिक कंपाउंड्स रिलीज करेंगे और यहां पे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी मिलेगी राइजोबियम की ठीक है तो हायर पॉपुलेशन की वजह से ये क्या करेगा ये इसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा ठीक है राइजोबियम की ग्रोथ को जब ये स्टिमुलेट करता है तो ये क्या करता है इसकी रूट को इनफेक्ट करता है और जैसे ही रूट को इन्फेक्ट करता है तो इसके अंदर नोड्यूल बन जाते हैं ठीक है और जैसे ही फॉर्मेशन होती है तो नोडुल में क्या हो जाती है गांठ सी बनती है जिसमें होती है स्वेलिंग सी और उसका साइज होता है दो से तीन एम का डायमीटर होता है ठीक है और इस जो होस्ट सेल है उसकी एक होस्ट सेल में बहुत सारे राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं और उनको हम बोलते हैं बैक्टेरॉइड्स ठीक है और ये इसमें एक एंजाइम होता है वो एंजाइम है नाइट्रोजीनियस एंजाइम और ये एंजाइम ऑक्सीजन की में क्या करेगा काम करेगा बट जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये क्या है एरोबिक बैक्टीरिया है लेकिन नाइट्रोजीनियस जो एंजाइम है वो कहाँ पे काम करेगा जहां पे ऑक्सीजन की अब्सेंस होगी और जहां और ये किस नेचर का है एनारोबिक नेचर का ठीक है अब ये क्या है कि जो राइजोबियम है वो क्या प्रोड्यूस करेगा हीमोग्लोबिन ठीक है और इसके द्वारा जो ग्लोबिन हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस किया जाएगा मींस जो रेडिस कलर का प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाएगा उसको हम बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। ये ऐसे ही काम करेगा जैसे कि मेमल्स के अंदर हीमोग्लोबिन काम करता है ठीक है और प्लांट जो प्लांट के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया कहां से नाइट्रोजन लेगा एटमोस्फेयर से मीन्स इसका जो सोर्स है नाइट्रोजन का वो क्या है एटमोसफियर है ठीक है वहां से ये नाइट्रोजन क्या करेगा लेगा और वो रिड्यूस करके किस में रिड्यूस कर देगा उसको अमोनिया के अंदर ठीक है एनएस फोर पॉजिटिव के अंदर ठीक है तो जैसे ही जो राइजोबियम सेल्स हैं वहां से ऑक्सीजन अमोनिया रिलीज होगा तो ये आ जाएगा होस्ट सेल के अंदर ठीक है पे आ जाएगा होस्ट सेल के अंदर और किस फॉर्म में आ जाएगा अस्पजिन की फॉर्म में ठीक है और जैसे ये अस्पजिन की फॉर्म में आएगा तो ये किसके द्वारा जैसे कोर्टिकल सेल है ठीक है कोर्टिकल सेल से किस में जाएगा जाइलम वेसल्स के अंदर ठीक है और जाइलम वेसल से ये कहाँ पे जाएगा लीव्स के अंदर ठीक है फिर ये डिफरेंट पार्ट में क्या हो जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लेकिन जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है उसका कुछ पार्ट जो रूट है वो क्या कर देती है सोल के अंदर रिलीज कर देती है किसकी फॉर्म में अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में ठीक है इसलिए कहते हैं कि अगर हम कोई भी लेग्यूम प्लांट क्रॉप के साथ किसी अदर क्रॉप या सीरियल क्रॉप के साथ या फिर ऑयल सीड के साथ ग्रो करते हैं तो क्या करता है उसको बेनिफिट देता है अमाइनो एसिड सोड नाइट्रोजन की फॉर्म में ठीक है और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये मोस्टली किस में होता है, जो प्लांट्स हैं, उनके अंदर। रूट नोड्यूल वेहन एक्सपोज टू ऑक्सीजन ऑप्शन इज ए येलो कलर ऑप्शन बी ब्राउन कलर ऑप्शन सी कलर the right answer is c under which nitrogen fixation is less or nearby negligible the option a less than 5 ph option b high nitrogen and low phosphorus content and option c water load condition and option d all of these the right answer is d the nitrogen fixation स्टार्ट होता है जो राइजोबियम स्टार्ट करता है या फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं कि कितना जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोपोर्शन होना चाहिए सोल के अंदर कितना पीएच होना चाहिए और कंडीशन जैसे वाटर लोड कंडीशन बोला है तो वहां पे ऑक्सीजन की क्या हो जाती है डेफिशिएंसी तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो किसके अंडर काम करता है एरोबिक कंडीशन के अंदर ठीक है तो वाटर लॉग जो कंडीशन है वो क्या करेगी नाइट्रोजन फिक्सेशन को स्लो डाउन कर देगी नेक्स्ट बी ऑप्शन है हाई नाइट्रोजन अगर हाई नाइट्रोजन कंटेंट है और लो फोस्फोरस कंटेंट है तो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या हो जाएगा स्लो हो जाएगा अगर नाइट्रोजन की कंटेंट ज्यादा है फोस्फोरस की अमाउंट हाई है ठीक है उस कंडीशन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या हो जाता है फास्ट हो जाता है क्योंकि जो फोस्फोरस का मेन फंक्शन क्या है रूट का डेवलपमेंट और जितना ज्यादा रूट का डेवलपमेंट होगा उतना ही ज्यादा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो वर्क है वो क्या होगा फास्ट होगा जो ए ऑप्शन है जो बैक्टीरिया है वो मोस्टली एसिडिक टाइप सॉइल के अंदर क्या होते हैं इनएक्टिव होते हैं जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस है वो नियर क्वेश्चन इज एक्टिनोमाइसिट्स एक तो बोला हमने बैक्टीरिया अब क्या है एक्टिनोमाइसिट्स भी क्या करते हैं हायर प्लांट्स के साथ क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो हायर प्लांट्स में है कैजोरिना कैजोरिना के साथ मिलकर कौन सा एक्टिनोमाइसिड क्या करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा? ऑप्शन ए ऑप्शन ऑप्शन बी बी, एल्डर, सी बोथ ए एंड द राइट आंसर इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन सिंबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो क्या करते हैं फ्रीली लिव करते हैं और ये फिक्सेशन नाइट्रोजन का करते हैं ठीक है तो ऑप्शन ए क्लोस्टियम एंड एजोस्पाइरिलम ऑप्शन बी एजेटोबैक्टर ऑप्शन सी ब्लू ग्रीन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी राइट आंसर इज डी मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मेक्स अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर ऑप्शन ए नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ऑप्शन बी पोटेशियम एंड सल्फर एंड ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी द राइट आंसर इज सी जो ऑर्गेनिक मैटर सोइल में प्रेजेंट होता है तो उसके ऊपर जो सोइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं एक्शन करते हैं ठीक है उसको डीकंपोज करते हैं मींस उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मिनरलाइजेशन जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल फॉर्म में और वो जो अवेलेबल फॉर्म आती है वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की आती है नाइट्रोजन फोस्फोरस पोटासियम सल्फर एंड मेनी अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनिक मैटर है आफ्टर मिनरलाइजेशन वो क्या रिलीज करता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उन न्यूट्रिएंट्स में से नाइट्रोजन का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ठीक है जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उसका सोर्स क्या है प्लांट मेटेरियल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब ऑर्गेनिक मैटर के अंदर क्या प्रेजेंट है प्रोटीन और बहुत सारे जो नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स हैं जिनके मिनरलाइजेशन के बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही क्या मिलेगा नाइट्रोजन Nitrogen. वो नाइट्रोजीनस जो कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से हैं जैसे अमाइनो सुगर्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं न्यूक्लियो हैं न्यूक्लिक एसिड्स हैं अमाइड्स पैरिमिडीन एंड एल्कि ठीक है इनमें से क्या रिलीज होगा नाइट्रोजन ठीक है जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है सोल के अंदर तो वो उस ऑर्गेनिक का क्या होता है हाइड्रोलाइसिस ठीक है हाइड्रोलाइसिस जब होगा तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर ठीक है तो जैसे ही पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर वो कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर जो उसके ऊपर कौन से जो बैक्टीरिया है वो काम करेंगे वो है सुडोमोनास और बेसिलस ठीक है लेकिन जो पोलिपेप्टाइड्स हैं इसके ऊपर जब बैक्टीरिया काम करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड्स के अंदर ठीक है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं अमीनिफिकेशन ठीक है मीन्स कन्वर्जन ऑफ पोलिपेप्टेप्टाइड पेप्टाइड्स टू अमाइनो एसिड्स इज कार्ड अमीनिफिकेशन ठीक है नेक्स्ट है जब अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं तो अमाइनो एसिड पे काम करेगा नाइट्रो बैक्टर ठीक है और जो नाइट्रो बैक्टर है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही काम करेगा और ये जब इसके अमाइनो एसिड के ऊपर काम करता है तो अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया के अंदर ठीक है और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे अमोनिफिकेशन ठीक है किसके अंदर कन्वर्ट हो गया ये अमोनिया के अंदर ठीक है अब जो अमोनिया प्रेजेंट है उसके ऊपर काम करेगा नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया ठीक है ये भी प्रेजेंस में काम करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ठीक है और इसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्राइट में और नाइट्राइट कन्वर्ट किस में हो जाएगा नाइट्रेट में और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे नाइट्रेफिकेशन ठीक है अमोनिया किस में कन्वर्ट होना नाइट्रेट में इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन ठीक है और प्लांट दोनों फॉर्म को लेता है अमोनिकल फॉर्म को भी और नाइट्रेट फॉर्म को भी ठीक है लेकिन फिर क्या है कि अगर कंडीशन वाटर लोग्ड कंडीशन है मींस एनारोबिक कंडीशन है अगर वाटर लोग्ड कंडीशन है तो इस कंडीशन में मैक्रो और माइक्रोफोर्स क्या होते हैं वाटर के द्वारा फील्ड होते हैं ठीक है इस कंडीशन में जो ऑक्सीजन है वो वहां से चली जाती है ठीक है तो उसके ऊपर काम करते हैं जो बैक्टीरिया सुडोमोनास एंड बेसिलस ठीक है और उसको नाइट्रेट फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर देते हैं एलिमेंटल नाइट्रोजन में और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रीफिकेशन ठीक है वैसे तो अगर हम एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर माने तो डी क्या है एक वेस्टफुल प्रोसेस है लेकिन अगर हम वैसे मानते हैं तो ये जो नाइट्रोजन का क्या बनाता है एक फुल साइकिल बनाता है उसमें डी क्या है एक बेस्ट प्रोसेस है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिमम पीएच फॉर नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इज ऑप्शन ए देन सिक्स ऑप्शन बी 6.5 टू 7.5 एंड ऑप्शन सी 7.5 टू 8. टू राइट आंसर इज बी जब पीएच क्या होता है नियर बाय न्यूट्रल होता है और बिटवीन 6.5 टू 7.5 के बीच में होता है तो उस टाइम पे जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है मींस अमोनिकल से नाइट्रेट फॉर्म में जब क्या आता है नाइट्रोजन आता है तो उस टाइम पे वो प्रोसेस क्या होती है फास्ट होती है The next question is optimum temperature for nitrification. Okay. Option A twenty to twenty five degrees Celsius. Option B twenty five to thirty degrees Celsius and option C thirty to thirty five degree Celsius temperature. The right option is thirty to thirty five degrees Celsius temperature is the best temperature for fast process of कहा होती है? Water condition के अगर, है जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था की डी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के ड्यूरेशन में कौन कौन से बैक्टेरिया काम करते हैं तो ऑप्शन ए बेसिलस ऑप्शन बी सूडोमासप्शन सी बोथ एंड बी दाइट आंसर इज C. The next question is optimum. C and P ratio is C means carbon, N means nitrogen, and P means phosphorus. The option is 100 is to 1 is to 1. Option B, 10 is to 1 is to 1. And option C, 100 is to 10 is to 1. राइट आंसर इज सी इसमें जो नाइट्रोजन का कंटेंट होगा वो होगा टेन फोजफोरस का होगा इसके अंदर वन और कार्बन का कंटेंट कितना होगा हंड्रेड ठीक है ये क्या है एक ऑप्टिमम रेशियो है अगर इस रेशियो से ज्यादा रेशियो बनती है ठीक है फोसफोरस की अगर बनती है ज्यादा रेशियो तो उस केस के अंदर क्या हो जाता है इमोबिलाईजेशन e ठीक है अगर हंड्रेड रेशियो वन से ज्यादा रेशियो बनती है किसकी कार्बन की और फोस्फोरस की तो क्या हो जाएगा इमोबिलाईजेशन मीन्स टेम्परेली ये किसके अंदर स्टोर हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ठीक है तो प्लांट के लिए फ़ोस्फोरस की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी कम इस क्वेश्चन में क्या है कि जो ऑर्गेनोफोस्फोरस कंपाउंड किस में प्रेजेंट है ऑर्गेनिक मैटर में ठीक है ये क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है लाइक फाइटीन फोस्फोलिपिड न्यूक्लियो न्यूक्लिक एसिड एंड कोएंजाइम्स सुगर को तो ये जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो ये जो सिंपल कंपाउंड है उसके अंदर क्या हो जाते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है लेकिन इसके ऊपर काम कौन करेगा बैक्टीरिया फनजाई एंड एक्टिनोमाइसिट्स ठीक है और ये क्या रिलीज करेंगे इसके अंदर फोस्फेटेज और जैसे ही फोस्फेटेज इनके ऊपर एक्शन लेगा तो ये कॉम्प्लेक्स से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे सिंपल कंपाउंड्स के अंदर और ये प्लांट के लिए फिर क्या होंगे अवेलेबल होंगे ठीक है तो ऐसे क्या हो जाता है फोस्फोरस का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना

अगर कार्बन सल्फर रेशो ज्यादा होती है वाइड होती है तो उस केस में क्या हो जाता है इमोबिलाईजेशन ठीक है जो प्लांट के लिए सल्फर क्या हो जाएगी अवेलेबल हो जाएगी ठीक है और जो सल्फर है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट है वो है प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन ठीक है जब इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर सल्फेट के अंदर ठीक है जो प्लांट क्या करेंगे इसका अपटेक करेंगे लेकिन अगर एनएरोबिक कंडीशन है ठीक है एनएरोबिक कंडीशन में कौन सा बैक्टीरिया काम करेगा डिसल्फोवाइब्रो स्पीशीज बैक्टीरिया इसके अंदर काम करेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा सल्फाइड के अंदर ठीक है और ये सल्फाइड प्लांट के लिए क्या है टॉक्सिक है ठीक है लेकिन जब हम सोयल के अंदर एलिमेंटल सल्फर अप्लाई करते हैं कौन सी एलिमेंटल सल्फर जब सोयल के अंदर हम अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर काम करता है थायोबेसिलस स्पेसिस बैक्टीरिया की और उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है सल्फेट के अंदर और वो प्लांट क्या कर लेते हैं अपटेक थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में ओके थैंक यू वेरी मच